I think the electoral bond issue will gain even much more momentum. Everybody now is slowly understanding that this is the not only the biggest scam in India, but this is the biggest scam in the world. इलेक्टोरल बॉन्ड केवल भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। यह बयान मोदी की मंत्री निर्मला सीतारमण के पति और जाने माने अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर का है। अब आप जरा सोचिए, एक अर्थशास्त्री इलेक्टोरल बॉन्ड के सिस्टम में झोल बता रहा है, इसे घोटाला बता रहा है, तो असल में ये कितना बड़ा स्कैम है। वो तो ये देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं जो खुलकर ये बोलने की हिम्मत जुटा पाए, लेकिन देश की मीडिया इस मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश है, क्योंकि यहाँ संदेह के घेरे में भाजपा है, मोदी जी हैं, तो मीडिया इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। लेकिन मीडिया दिखाए या ना दिखाए, मोदी की मंत्री के पति ने यह साफ कर दिया है कि पूरी भाजपा और मोदी जी ने चंदे की आड़ में कितना भ्रष्टाचार किया। पिछले 10 सालों से मीडिया और मोदी जी भारत की जनता को बुड़बक बनाने में लगे, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का सच अब देश के सामने है। भाजपा के चंदे के बदले धंधे का फंडा लोग समझने लगे हैं और आने वाले चुनाव में भाजपा को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।